हाँ जी, तो मैं अभी अरब को लेने आई हूँ स्कूल से। इतनी ज्यादा ठंड है, हालत खराब हो गई है। ओह माय गुडनेस। तो चले, आर यू रेडी टू गो? स्कूल में दिन कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया सी। ओह माय गुडनेस, व्हाट बनाया? वॉलेट बनाया। चलो चलते हैं। पहले बाहर ये नजारे हैं, इतनी ज्यादा स्नो पड़ी हुई है ना यहाँ पे, तो बहुत ही ज्यादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा, नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, अभी टाइम हुआ है 3:15 का। मैं अपना ब्लॉग अभी से शुरू कर रही हूँ। सुबह से कोई ब्लॉग शुरू नहीं किया, नहीं मन कर रहा था। एंड अभी शर्मा जी आए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपको मुझे स्कूल से खुद लेके आना पड़ेगा या शर्मा जी की गाड़ी का यूज़ करना पड़ता है अगर वो फ्री हो तो। एंड ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और थोड़े दिनों से हम बहुत डिफ़िकल्टी फील कर रहे थे इस चीज़ में, क्योंकि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आरब की छुट्टियाँ थी तो इतने दिनों तक वो गाड़ी बंद रही। अब बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है, तो बहुत दिक्कत हो रही है आरव को स्कूल छोड़ने में। बिकॉज अनायों को पैदल लेके जाना, आई डोंट वांट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चल रहा है और वो भी बहुत एक्सट्रीम वाला ही चल रहा है। सो दो दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, कभी कैसे कभी कैसे। एंड शर्मा जी बूस्टर केबल लाए थे बट वो बड़ी नहीं थी तो नहीं हो पाई। एंड थिंग इज, मेरी गाड़ी का जो फेस है वो इस साइड पे है, जैसे गाड़ी से गाड़ी करके बूस्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो अभी शर्मा जी बहुत बड़ी केबल लाए हैं, तार लाए हैं मतलब, तो फिर उसके थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं। होप सो कि हो जाए, बिकॉज बहुत डिफिकल्टी हो रही है। मैं क्रॉसिंग करने जाना चाह रही थी, वो नहीं कर पाई। मेन प्रॉब्लम, चलो वो तो हम मैनेज कर रहे थे ग्रॉसरी का जैसे भी करके, बट द मेन प्रॉब्लम वाज कि अरब को स्कूल छोड़ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड या अभी हो जाए, बहुत दिक्कत हो रही है। ये देखिए, पहले ये वाली केबल लाए थे, इस पे लिखा हुआ है 12 फुट। हाँ जी, ये तो देखिए इतनी लंबी थी तो इससे तो नहीं हो पा रहा था। अभी वो कह रहे हैं मैं 30 फीट की लाया हूँ। शर्मा जी देखिए आ गए हैं। एंड सबसे पहले इन्होंने यही काम किया क्योंकि इन्हें ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी खोलते हैं डोर, बाहर देखते हैं, बाहर बहुत बर्फ है। अभी शर्मा जी ने ये सारा पिटारा खोल दिया, वो देखिए गाड़ी से गाड़ी का बूस्ट हो रहा है। ओह माय गॉश, इतनी ज़्यादा ठंडी है, मेरी ये पतली सी जैकेट कुछ नहीं कर रही यार। तुम अंदर जाओ, ठंड है, तुमने कुछ भी नहीं पहना हुआ, जैकेट नहीं पहनी हुई। एक्चुअली हमें ना अपनी गाड़ी की बर्फ भी हटा देनी चाहिए, थोड़ा सा कोल्ड कोल्ड फील हो रहा होगा। लाओ मुझे दे दो। ओके थैंक यू। ये लो बच्चा, पानी। यस प्लीज, पानी फ्रीज हो गया। शो मी। ओह माय गुडनेस, ये देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है कि शर्मा जी सुबह पानी लेके गए थे बॉटल में, आते आते ही फ्रीज हो गया। ओह माय गुडनेस, ये देखिए बर्फ बन गई है। -16 टेम्परेचर है तो ऑब्वियस है बर्फ तो बनेगी ही। तो ये है विनीपेग की ठंड। लाइक ओह माय गुडनेस, तो हम बंदे हैं जो हमारा खून भी तो जम ही जाएगा ना। तो अभी शर्मा जी कर रहे हैं काम, चलती हूँ बाहर। बहुत ज़्यादा ठंडी है, आई थिंक मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, पर थोड़ी देर के बाद चली जाऊँगी। अच्छा, मेरी गाड़ी में से क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं क्या बोल रही थी कि ये बर्फ हटा लो ना थोड़ी सी, मेरी गाड़ी को सांस तो आए बेचारी को, इतनी बर्फ से चिल्ड होगी ये भी। और आपने ये ऊपर किया ना तो फिर ये अंदर ना बर्फ चली जाए। अच्छा, यहाँ पे अटैच करके अभी इंजन को गर्म करेंगे ना। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे पता है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें, ये शर्मा जी की गाड़ी है, इस गाड़ी के साथ अटैच किया है। ओ वाओ, ये देखिए ये शर्मा जी की गाड़ी है एंड दिस इज माय गाड़ी। तो इस तरह से बूस्ट कर रहे हैं गाड़ी को, गर्मी गर्मी दी जा रही है ताकि मेरी गाड़ी का इंजन थोड़ा नॉर्मल हो के स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज बहुत कोशिश कर रहे हैं हम एवरीडे, इवन मैं स्टार्ट भी कर लेती थी बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो गया।
चलती हूँ अंदर, नहीं मेरी कुल्फी जम जाएगी। मेरा ब्लड जम जाएगा, मुझे भी फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाएंगे। ओह नो, जिसमें बर्फ जमी है, जो शर्मा जी की बॉटल, तो इसने क्या किया, उसमें हॉट वाटर डाल दिया कि बर्फ एकदम से मेल्ट हो जाएगी। पर मैंने कहा बर्फ अभी बहुत ज्यादा बर्फ है, तुमने जितना पानी डाला होगा नहीं होगी। तो कहते यस मम्मा, वो पानी सारा ठंडा ही हो गया। ऐसे काम करता है। चलो अब अंदर आ जाओ यहाँ पे। अच्छा बताओ तो दो, कहाँ पे जा रहे हो बर्थडे पार्टी के लिए? तो ये है हमारा आरव, इसकी फ्रेंड रोल का बर्थडे है, वो बर्थडे बाहर सेलिब्रेट, लाइक गेम्स के लिए स्पेशल बाहर जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? लेजर टैग्स है वहाँ पे, पाए करेंगे गेम्स वगैरह उसके मम्मा। तो बॉयज को यही चीजें अच्छी लगती हैं। एंड वी आर नॉट बाइंग इट, वी आर गोइंग टू अ प्लेस एंड वी आर गोइंग टू प्ले द गेम। नो यू आर नॉट बाइंग, बट रोल्स मम विल बाय दैट। या वी आर गोइंग टू द प्ले, या सो ये वहाँ पे जाएंगे और एंजॉय करेंगे। एंड हम नहीं जाएंगे इसके साथ, मैं उसकी मम्मा ने बोला था हम नहीं ले जाएंगे। इनका तो यही चलता है, एक दूसरे के घर से आना जाना, मम्मी पापा एक दूसरे के ऐसे ले जाते हैं एक दूसरे को। तो या फिर वहाँ पे जाके इसने करना है एंजॉय। एंड सबसे बड़ी बात बताओ, हमने कोई गिफ्ट नहीं लिया। पेंडिंग हो गया, बिकॉज हम इतने ज्यादा बिजी चल रहे हैं और एक गाड़ी नहीं चलने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही थी। स्कूल ही आरव का बड़ी मुश्किल से हम मैनेज कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा काम करने तो डिफिकल्ट हो रहा था। एंड द थिंग इज, हमें कल ही पता चला आई थिंक, तो फिर इतनी जल्दी तो नहीं कुछ हो सकता है ना। शर्मा जी भी जॉब से आए हैं, उन्होंने खाना भी खाना है और एकदम से मार्केट भी नहीं जा सकते। अनाया भी सो रही है, सो इस तरह से लाइफ इतनी बिजी है कि कोई बात नहीं, गिफ्ट पेंडिंग में चला गया। कल में भी जाएं, कल जाना ही पड़ेगा बिकॉज ग्रॉसरी भी करनी है। आज है सैटरडे, कल है संडे, सो यस कल को मे बी, I'm not assuring you, but yeah, definitely we will try our best, okay? तो या कल try करेंगे कि gift ले आएं और या फिर नोल खुश हो जाएगा। उसको खुश करना आज, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे वो sad हो जाए, ठीक है? तो yes, Noel is here to get Ara with him, right? Oh wow! Aarav is wearing these clothes. So Noel is here. Happy birthday, Noel! Thank you. Hi, August. Hi. These are friends, yeah? They all are friends. So, are you going in your mom's car? No, my grandma's. Cause it has four seats, and we're bringing four people. Oh wow! Lilia is here. Lilia is gonna come. Lilia is not here yet. Oh, she is coming with her mom. Well, tell me, what do you like for your present? Just what you guys want. It's our choice. It's a surprise. Yeah, I don't really care. Oh, so okay, your gift is pending because our car is not good yet. So soon we will get. Okay. You got a haircut. And be nice with each other over there, Ara. You guys need to listen. खेल रहे हो आप? खेलो। मैं अभी जा रही हूँ अपनी गाड़ी स्टार्ट करके देखती हूँ। यू नो एक घंटे से ज्यादा हो गया बूस्टर तार लगाए हुए, बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अभी देखती हूँ, अंधेरा भी हो गया। ये मेरी गाड़ी, देखती हूँ अभी अगर स्टार्ट ना हुई तो बहुत दिक्कत है। देखती हूँ, इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो या तो बैटरी डेड हो गई है या फिर देखते हैं क्या हो गया। वो पीछे कितना प्यारा लग रहा है ना, वो लाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए अभी मैं स्टार्ट करूंगी।
कैसे हो रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही है, जो चार्ज ही नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आया। अभी शर्मा जी को बताती हूँ जाके कि ये तो स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ जी, तो मैं अभी चेक करके आई हूँ क्योंकि शर्मा जी सो रहे थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे एंड गाड़ी मतलब ब्लिंक सी कर रही है। इट मीन्स ये है कि वो बैटरी बिल्कुल डेड थी, अभी मतलब जो भी है चार्ज कह लो या फिर बूस्ट होनी शुरू हो गई है। पहले ऐसा भी नहीं हो रहा था, तो आई थिंक हो जाएगी, अभी और टाइम लगेगा। शर्मा जी उठ गए हैं, इनको मैं भी एक बार चेक करके आऊँ। चलिए जी, अब्बी की ताज़ा खबर ये है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये अनाया अपने सॉन्ग गा रही है और अपने एक्शंस कर रही है। आई एम सुपर हैप्पी नाउ, यू नो, दो तीन दिन से लाइक आरब के स्कूल खुले हैं, फाइव से, तब से इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। यू नो, यहाँ पर इतनी ठंड में ऐसा लगता है कि बिना गाड़ी के लाइफ थम गई है, रुक गई है। बड़ा बेबस सा फील कर रही थी मैं अपने आप को, क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलानी आती हो, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो और आप चला ना सको, मीन्स वो खराब हो या कोई भी परेशानी हो, तो बड़ा लाचार सा फील करते हैं। इतना चीख रही हो, बहुत एक्साइटेड हो रही है। तो ऐसी होगी थी लाइफ की, रुक जाती है ना जैसे लाइफ, बट नाउ आई एम हैप्पी कि चल रही है, थैंक गॉड। कल को है संडे, अगर कहीं जाना होगा, शर्मा जी गाड़ी चलाएंगे, तो मैंने उनको बोला आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाओ ताकि इसका इंजन ठीक रहे, क्योंकि बंद गाड़ियाँ ना खराब हो जाती हैं, मतलब नहीं स्टार्ट होती, और यहाँ पर तो इतनी ठंड है कि फ्रीज हो जाती हैं। सो यस, ये था मेरा आज का व्लॉग, मुझे अपनी गाड़ी की बहुत चिंता थी, नाउ आई एम रिलैक्स्ड। यस, आरव तो अभी घर पे नहीं आया, वो तो पार्टी इंजॉय कर रहा होगा, बर्थडे पार्टी। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आपको भी कुछ अच्छा दिखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड यस, ये बात प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि गाड़ी को रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, और ख़ासकर जो कैनेडा में है एंड स्पेशली इन विनिपेग, क्योंकि अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो वो फ्रीज हो जाएगी। एंड उस पर लिखा हुआ था कि आपको हाफ एन आवर मैक्सिमम करना है, बट हमें इन रियल 1.5 आवर लग गया गाड़ी को स्टार्ट करते करते, नहीं तो लिखा हुआ था कि 15 में भी हो जाती है, बट फॉर आवर कार इट डजंट वर्क, एंड या बट नाउ इट इज वर्किंग। सो या, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।